वही देखिए, सावन के पवित्र महीने में कांवड़िए अलग अलग तरीके से कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लोग बुलडोजर से कांवड़ लेकर बाबा भोले पर जल चढ़ाने के लिए रवाना हुए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल मेरठ के रहने वाले सुनील ने पीएम मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की भगवान शिव से मन्नत मांगी थी और मन्नत पूरी होने के बाद बुलडोजर से कांवड़ लेकर वो जा रहे हैं, जहाँ वो बाबा भोले को 101 लीटर गंगा जल चढ़ाएंगे। कांवड़ यात्रा के लिए शख्स ने बुलडोजर पर पीएम मोदी की तस्वीर भी लगा रखी है। तो एक अनोखे तरीके से यहाँ पर कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उन्होंने ये मन्नत मांगी थी और अब वो 101 लीटर जल भगवान शिव पर चढ़ाएंगे। मुजफ्फरनगर की तस्वीरें जहाँ पर बुलडोजर के माध्यम से कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। इस बुलडोजर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आप तस्वीर देख रहे हैं, मेरठ के रहने वाले सुनील, जिन्होंने ये मन्नत मांगी थी और अब वो कांवड़ लेकर निकल चुके हैं। शिव भक्त इस वक्त कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं और अपने अपने तरीके से उनकी जो श्रद्धा है वो सड़कों पर इस वक्त नजर भी आ रही है। यूपी के सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी पर आए राहुल गांधी एक मोची की दुकान पर पहुंच गए। सड़क किनारे मोची रामचेत की दुकान पर राहुल गांधी ने जूते की सिलाई की। साथ ही राहुल गांधी ने मोची रामचेत से उनके घर परिवार और रोजगार के बारे में बात की। दुकान पर राहुल गांधी के रुकते ही सैकड़ों लोगों की भीड़ भी वहां पहुंच गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची, जहां ममता ने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। ये पहली बार है जब ममता बनर्जी सीएम केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने सीएम केजरीवाल के माता पिता से मुलाकात की। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक रिश्ते काफी बेहतर रहे हैं। चुनाव के दौरान भी ममता बनर्जी केजरीवाल को अपना समर्थन देती रही है। दोनों ने कई बार एक साथ मंच साझा किया है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बिना नाम लिए निशाना साधा है। सचिन पायलट ने कहा, मेरा तजुर्बा कहता है कि कोई कितना भी चाहे हवा पानी और नौजवान अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन उसके लिए नियत काबिलियत और मेहनत में कभी खोट नहीं आनी चाहिए। अगर काबिलियत में खोट आई तो वो कभी छिप नहीं सकती। पायलट के इस बयान को सुनकर ऐसा लगता है कि वे युवाओं को संघर्ष और मेहनत की राह पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने लोढ़ा ग्रुप पर किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया। पवन पांडे ने कहा कि लोढ़ा ग्रुप सत्ता के संरक्षण में किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। बाउंसर आकर किसानों को मुकदमा लिखवाने और जेल भिजवाने की धमकी दे देते हैं। अगल बगल की जमीनों को लोढ़ा ग्रुप ने अपने कब्जे में ले रखा है। दिल्ली में बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने को लेकर बीजेपी ने इसे खतरनाक बताया। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, इस साल दिल्ली में हालात बेहद खराब हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने केजरीवाल और उनकी सरकार पर ड्रेनेज सफाई और नल सफाई के नाम पर घोटाला करने का आरोप लगाया। सचदेवा का कहना है कि कई इलाकों में 10 से 12 घंटे तक पानी भरा रहता है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सचदेवा ने मांग की है कि अगर केजरीवाल में कोई नैतिकता बची है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जी न्यूज़।